हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो। मेरा नाम है इरशाद, आप देख रहे हैं डॉक्टर लाइन। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ रोमबेक्टिन का जो रिड्यूसर होता है उसी के बारे में, जिसको कौन भी बोला जाता है और सेंट्रिक भी बोला जाता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे डायर देख सकते हो मेरा जो है ये 90 mm है और दूसरा डायर 50 mm, ये लेंथ है इसका 60 mm। और ये बिल्कुल सिंपल सा रिड्यूसर मैं बताने वाला हूँ आपको। वैसे तो मैंने इसके ऊपर और भी सारे वीडियो बना रखे है, आपको ये तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लेना। इसका मैंने 2-3 तरीके से बना के रखा है, सिंपल सिंपल तरीका है, वो भी आपको जो अच्छा लग जाए उसमें आप कटिंग कर लेना। ये बिल्कुल, ये भी सबसे आसान तरीका यही है। तो इसको कैसे करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो डाया है वो 90 mm है और जो ये नीचे का डाया है 50 mm है, ठीक है। तो उसको करना क्या है, अभी सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन खींचा हूँ मैं, और एक लाइन यहाँ पे खींचना पड़ेगा मेरे को राइट एंगल, ताकि मैं रेडियस ले सकूँ वहाँ से। तो ये मैं सिर्फ ऐसा ही लाइन खींच ले रहा हूँ, इसका कुछ मायने नहीं है, यहाँ पे खींच लिया हूँ। लेकिन ये सेंटर लाइन मैं बुक का सेंटर किया हूँ, आपको जिस हिसाब से सीट मिले उस हिसाब से कर लेना। तो सबसे पहले करना क्या है, ये जो 90 mm डाया है मेरा, उसका मेरे को एक सेंटर टोटल यहाँ पे बनाना है। जैसे इधर ले लिया मैंने 45 और इधर 45 लेता हूँ, तो मेरा यहाँ पे आ रहा है टोटल 90 mm, ठीक है। और सेकेंड चीज जो है वो है मेरा लेंथ 60 mm। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लेंथ का मार्किंग मैं ले लेता हूँ 60 mm का, दो मार्किंग, क्योंकि यहाँ पे भी राइट एंगल लगने वाला है। एकदम सिंपल तरीका है, 2 मिनट का वीडियो है और अच्छा लगेगा जरूर आप लोग को, और बिल्कुल नया ट्रिक है ये। यहाँ पे एक लाइन इस तरह खींचना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने 90 mm का दो मार्किंग कर लिया है, मतलब 45-45 का, 45-45 mm का। अब नीचे जो करना है वो लेना है मेरे को 50 जो है उसका हाफ लेना है, तो मतलब 25 इधर आएगा ये लाइन से, और 25 इधर आएगा, मतलब यहाँ पे 50 हो जाएगा। ये आ गया मेरा 2 पॉइंट। उसके बाद करना क्या है, इसको आपको लाइन ऐसा क्रॉस करना है, मतलब यहाँ से इस तरह से ये लाइन आपको जहाँ पे भी क्रॉस हो जाए होने देना है, उससे कुछ लेना देना नहीं है आपको, बस इसको क्रॉस करना है। बट ये जब आपका बड़ा साइज रहेगा तो आपको नहीं बन पाएगा, छोटा साइज ही बनता है। बड़ा साइज के लिए मैंने और एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, आपको जब आप जाओगे वहाँ पे तो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो देख सकते हो यहाँ पे लाइन क्रॉस हो चुका है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, उसके बाद एक प्रकार लेना है, या तो आप अगर सीट पे बना रहे हो तो GI सीट पे इतना लंबा नहीं बनता है, फिर भी अगर आपके पास पॉसिबल है तो बना लेना है। उसके बाद करना क्या है, आप मेरा जो सेंटरेंस पॉइंट आया है वो है ये, रेफरेंस पॉइंट भी बोला जाता है इसको, ये आया है मेरा मेन। उसके बाद करना क्या है, आपको एक प्रकार लेना है और ये पॉइंट पर रखना है आपको, ये वाला पॉइंट पर, यहाँ पे नहीं रखना है सेंटर में, सेंटर में रखोगे तो नहीं आएगा, या तो ये पॉइंट पे रखना है या ये पॉइंट पे। तो फिर मैं ये पॉइंट पे रख के इसको इस तरह से राउंड कर देता हूँ, सिंपल सा तरीका से। यहाँ पे देख सकते हो ये राउंड हो चुका है, ठीक है। अब करना क्या है, अब मेरे को अगला पॉइंट लेना है, तो वो भी मैं आपको लेकर दिखा देता हूँ किस तरह लेना है। उसके लिए आपको करना क्या है, इसी पॉइंट पे रखना है आपको, और वापस ये जो मेरा पॉइंट आया है ये वाला, यहाँ पे रख के इस तरह आपको रेडियस करना है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, 2 मिनट में वीडियो पूरा बन जाता है और पीस भी बन जाता है, ठीक है। ये हो चुका है आपका। अब आपको करना क्या है आगे, इस तरह रेडियस करने के बाद वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा एक जो राउंड डक्टिंग का फॉर्मूला निकाला जाता है, मैंने एक और वीडियो बताया था आपको। तो आपको लेना है 90 mm और उसको गुणा करना है 3.14 से, तो ये आता है टोटल 288, मतलब 82 mm आता है। तो मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ आपको कि किस तरह किया जाता है ये। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 90 mm, देख सकते हो, ये तरीका कोई नहीं बताता है, मैं बता रहा हूँ। 90 mm गुना, मतलब 90 mm गुना 3.14, ठीक है। इसको जब आप, ये राउंड डक्टिंग का फॉर्मूला है, ये कहीं पे भी यूज होता है, आप इसको संभाल के रखना क्योंकि ये हर जगह काम में आता है। तो इसको जब आप गुना करोगे 14 से, तो ये आपका आ जाएगा लगभग 282 आएगा, ठीक है। ये राउंड डक्टिंग का फॉर्मूला है दोस्तों, इसको याद रखना है, ये हर जगह काम आता है, हर जगह, मतलब पाइपलाइन में भी काम आता है, आप और जगह ओवर डक्टर में भी काम आता है। तो ये हो गया मेरा 282। अब इसको करना है डिवाइड, तो यहाँ पे 282 डिवाइड, इसको मैं बराबर जब करता हूँ, डिवाइड कितना में करना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि जितना आप छोटा डिवाइड करोगे उतना आपका रेडियस अच्छा आने वाला है, ठीक है। तो
तो मैं फिलहाल इसको कर लेता हूँ 16 में डिवाइड 16 में करता हूँ, तो ये मेरा आ रहा है 17 mm, ठीक है, डिवाइड 16 बराबर 17 mm आया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, 17 mm का एक कंपास बनाना है, तो मैं अभी आपको बना के भी दिखा देता हूँ फटाक से, आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और प्लीज़ व्यू अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा एक प्रकार या GI सीट जो भी रहे आपके पास, यहाँ पे मेरा फाइनल डाया निकल के आया है, मैं सिर्फ 90 mm का किया हूँ, और नीचे का क्यों नहीं किया हूँ वो भी बता देता हूँ आपको, आपको ये तो आप कर लेना, मैं यहाँ पे नहीं किया हूँ उसका, तो मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पे देख सकते हो मैं 17 mm का एक कंपास बना। उसके बाद करना क्या है आपको, ये सेंटर पॉइंट पे रखना है, मैंने कितना भाग किया था उसको, 16 भाग किया था, ठीक है। तो 8 ये साइड लेना है, 8 उधर लेना है, तो यहाँ पे मैं लेके दिखाता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ पॉइंट इधर आ गया, और वापिस 8 पॉइंट इधर लेना है मेरे को, तो वो भी मैं आपको लेकर दिखा देता हूँ फटाफट से। यहाँ पे रखना है फिर उसी तरह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये मेरा 8 पॉइंट आ चुका है। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसको भी सेम उसी तरह कर लेना है आपको, अगर आप कुछ डाउट रहे तो, मतलब ये जो 50 mm है ना, उसको गुना करोगे ना आप 50 mm गुना 3.14 से इस तरह, तो आपका जो भी आ जाए मतलब उसी तरह यहाँ पे फिर डिवाइड करना है, जितना ऊपर वाले को किया उतना इसको भी करना है, मतलब मैंने उसको 16 पार्ट किया था तो इसको भी 16 पार्ट करोगे ना इस तरह, यहाँ पे लाइन मारोगे तो मैच हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी मारोगे तो भी मैच होगा, क्योंकि वो कैसे होने वाला वही मैं बताने वाला हूँ। तो ये पॉइंटर लेना है, और ये जो पॉइंटर था मेरा सेंटर एंड पॉइंट है, इसको बोला जाता है, इस पर रखना है आपको, और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे लाइन खींच लेना है, ये देख सकते हो इस तरह लाइन खींचना है। अगर आप इसको पूरा भी खींच दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हाफ खींचोगे भी तो भी आ जाएगा, पूरा खींच देता हूँ मैं, देख सकते हो आप समझने के लिए, ये आ चुका है। उसके बाद सेकेंड वाला जो आएगा मेरा, वो यहाँ पे है मेरा पॉइंटर, देख सकते हो ये वाला, ठीक है, मैं इसको भी खींच कर भी ले लेता हूँ लाइन। तो अभी देख सकते हो ये मेरा आ चुका है, अगर आपको उस पर ये नहीं हो रहा है इस पर, तो अभी मैं इसके बारे में बता देता हूँ, जो मेरा 50 mm डाया है उसका कितना आता है, 50 mm गुना 3.14 ये होता है 157 mm, ठीक है। तो ये 157 mm का डिवाइड जब आप करोगे बराबर करके इसको डिवाइड में 16, तो ये 9 mm का प्रकार आ रहा है। तो अभी मैं 9 mm का भी एक कंपास बना के आपको दिखा देता हूँ कि बराबर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ताकि आप लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न ना रहे, कुछ डाउट तो नहीं है। यहाँ पे मैंने 9 mm का कंपास बनाया है, देख सकते हो, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो देख सकते हो दोस्तों ये मेरा 8वां पॉइंट आया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे भी ले लिया तो डायरेक्ट शॉर्टकट में बन जाएगा, इस तरह भी बन जाता है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आप जिस तरह आपको इजी लगे, अभी मैं इसको काट के आपको रेडी करके भी दिखा देता हूँ ये किस तरह का बनने का दिखने वाला है, आप यहाँ से काट लेना। और आप अगर आप इसको MS प्लेट में काटोगे तो ये तो जितना है उतना ही कटेगा, अगर आपको GI में काटना है तो जो मोराई आपके लगता है जिस हिसाब से, उस हिसाब से आपको मोराई के लिए रख लेना है, 10 mm या 15 mm या जिस हिसाब से भी रहे, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यही लो या जितना लेना है उतना लो। तो दोस्तों इस तरह बनाया जाता है, ये सेंटर एंड से भी बोला जाता है इसको, और रेड्यूसर भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप इसको जो भी नाम दे दो आप अपनी लैंग्वेज में, हर एक आदमी का हर एक ये होता है, मतलब ज़्यादातर इसको कोन भी बोला जाता है। तो आप ये तो छोटा रहेगा तो आप बना लोगे सीट पे, लेकिन जब आपको बड़ा सीट मतलब बड़ा रेड्यूसर रहेगा, समझ लो कि 800 डाया है, नीचे 600 डाया है, तो इस तरह नहीं बना पाओगे, क्योंकि उसका जो ये लाइन है ना, ये लाइन बहुत आगे चला जाता है। अभी देख सकते हो यहाँ पे मैंने सिर्फ 50 mm डाया लिया है, तो इतना बड़ा बुक जो है मेरा इससे पार जा रहा था, फिर भी मैंने हाइट कम किया तो यहाँ पे आया है। तो अब जब बड़ा काटोगे तो उसके लिए मैंने और एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, प्लीज़ आप वो वीडियो जाकर देख लेना, और उसमें एकदम सिंपल तरीका से मैंने समझाया है।
आप वो तरीका अपना लेना, आपको बन जाएगा बरा रेड्यूसर, राउंड कटिंग का हो या जिस चीज़ का भी हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इसी तरह का नॉलेज वीडियो जब भी मैं डालूँ तो आप लोग ना जाए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और इसको मैं अभी काट के आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह बनने वाला है। आप लोग बने रहिए मेरे साथ, मैं पूरा डिटेल में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये कटिंग कर लिया है, और इसको अभी मैं, आपके पास रोलर है तो रोलर पे, नहीं तो जिस हिसाब से भी आपको रोल करना हो इस तरह रोल करना है। इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा कि कुछ कन्फ्यूज़न है, इसमें बिल्कुल जीरो जीरो आता है। और एक तरीका मैंने बताया वो भी जीरो जीरो है, बट उसमें आपको ये मेजरमेंट है यहाँ से निकालना पड़ता है चेक करने के लिए कि परफेक्ट आया है कि नहीं आया है। ये भी वही चीज़ है, इसमें भी आप चेक कर सकते हो अगर आपको डाउट है तो। अभी मैं इसको आपको पूरा राउंड करके दिखा देता हूँ कि किस तरह बन। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको ये कर दिया है, मतलब जोड़ दिया है। तो जोड़ने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है। मैंने इसका डायग्राम पहले नहीं बनाया था, क्योंकि उसमें कुछ फ़ायदा नहीं बना के आपको डायरेक्ट पीस बना के दिखाना मकसद था मेरा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एकदम सिंपल सा तरीका से बन चुका है ये जो डाया है मेरा। इसको मैं अभी मेजरमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो मेरा जो है ये 90 mm है, और इधर का जो मेरा वो 50 mm है। यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा भी मैंने इसके लिए इसमें कुछ लिया नहीं है, जो कि लिया जाता है जोड़ के लिए, मतलब मोराई के लिए, उसमें से मैंने कुछ भी नहीं लिया है। तो प्लीज़ उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना वीडियो अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलता रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक।